विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विदिशा की 5 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी सभी सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के हरि सिंह रघुवंशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से हरि सिंह सप्रे भी चुनाव जीत चुके हैं, तकरीबन 25,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। बीजेपी से मुकेश टंडन 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसके अलावा भाजपा से उमाकांत शर्मा 22,615 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर विदिशा से, विदिशा की 5 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सभी सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सभी सीटों पर बता दें कि बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के सूर्य प्रकाश मीणा 19,000 वोटों से जीत चुके हैं। बीजेपी के हरि सिंह रघुवंशी 27,925 वोटों से जीत चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के हरि सिंह सप्रे भी 25,224 वोटों से जीत चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम विदिशा बीजेपी के मुकेश टंडन की, वो भी 24,269 वोटों से जीत चुके हैं। सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी से उमाकांत शर्मा 22,615 वोटों से आगे चल रहे हैं फिलहाल। तो बड़ी खबर आपको विदिशा से बताते हैं, जहां पर विदिशा से बीजेपी 5 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। 4 पर जीत दर्ज की है, 1 पर आगे चल रही है। और आपको बता दें कि विदिशा की 5 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। और विदिशा से रिंकू सुमन हमारे संवाददाता इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रिंकू, अभी क्या कुछ रुझान चल रहा है, अभी जब रुझानों की हम बात करें, नतीजे हम देख पा रहे हैं, 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जी जी मनीष जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि विदिशा जिले की 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। और विदिशा की मैं बात करूँ तो विदिशा की मतदान गणना पूर्ण हो चुकी है, जिसमें मुकेश टंडन जी 27,972 वोटों से विजय घोषित कर दिए गए हैं। और सरौंज की मैं बात करूं तो सरौंज के अंदर अभी उमाकांत शर्मा ही 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अभी 1-2 राउंड बाकी हैं। और माना जा रहा है कि लगभग 30,000 प्लस से उनकी जीत होगी। वही सूर्य प्रकाश मीणा जो कि शमशाबाद से भाजपा के प्रत्याशी थे, वो 19,446 वोटों से जीत चुके हैं। वही गंज वासुदा से हरि सिंह रघुवंशी बड्डा जो कि 27,925 वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी कुछ राउंड बाकी हैं। वही मैं बता दूं कुरवाई विधानसभा की हरि सिंह सप्रे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थे, जो कि 25,224 वोटों से जीते हैं। जी बिल्कुल, कुरवाई विधानसभा की बात करें तो कुरवाई विधानसभा में ऐसा माना जा रहा था कि कुरवाई से जो रानी अहिरवार है कांग्रेस प्रत्याशी, वो इस बार इस सीट पर जीत दर्ज की गई, लेकिन उन्होंने इस बार 27,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं लाडली बहना का कमाल यहां पर दिखाई दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए गंज बसौदा की, तो यहां पर हरि सिंह रघुवंशी ने निशंक जैन को 27,000 वोटों से मात दे दी, यानी कि सभी सीटों पर कांग्रेस का जादू नहीं चल पाया है, बीजेपी ने कमाल कर दिया यहां पर। जी मैं बता देना चाहता हूँ कि लाडली बहना जो योजना थी उसका प्रभाव काफी हद तक पड़ा है और लाडली बहनाओं ने भरपूर मतदान किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण जिले के अंदर प्रचंड बहुमत से विजय की ओर है। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें तो लाडली बहना योजना एक मुद्दा था, लेकिन इसके अलावा और कौन से मुद्दे थे जिन पर बीजेपी पर मोहर लगाई है जनता ने? विकास का मुद्दा था, जो कि लगातार भाजपा के राज में जो विकास हुआ है, सड़कों का जाल है, इसको लेकर शहर के मतदाताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रिंकू सुमन आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें विदिशा से, जहां पर 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 4 पर जीत दर्ज कर ली है, 1 पर आगे चल रही है। और आपको बता दें कि विदिशा की 5 विधानसभा सीट के जो नतीजे हैं वो भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी के सूर्य प्रकाश मीणा 19,469 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के ही हरि सिंह रघुवंशी 27,925 वोटों से जीत चुके हैं। इसके अलावा भाजपा से हरि सिंह सप्रे कुरवाई विधानसभा से 25,224 वोटों से जीत चुके हैं, ये नतीजे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए भाजपा के मुकेश टंडन जो कि 24,269 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं, यहां पर रुझान है, लेकिन 4 विधानसभा सीट जो है वहां के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें विदिशा से, जहां पर 5 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, 1 पर बीजेपी आ गई।